हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। मिक्स कंटेंट है ये, पुराने एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, एंड हमारे काफ़ी सारे जो हम किए हुए हैं अभी क्वेश्चन उनका रिविजन भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए लिवर, बी ब्रेन, सी किडनी एंड डी स्किन। तो राइट ऑप्शन इज स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। ऑर्गन की अगर बात करते तो स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर ग्लैंड अगर पूछा है यहाँ पे, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर हमसे पूछते तो लीवर आता। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन वेट 60 kg, देन टोटल फ्लूड बॉडी फ्लूड इन ही। पूछ रहे हैं एक पर्सन का जिनका वेट 60 kg है, उनमें टोटल बॉडी फ्लूड कितना होगा? ए 54 kg, बी 48 kg, सी 38 kg एंड डी 28 kg। तो ये वाला क्वेश्चन हमने विद फॉर्मूला किया था अभी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से फॉर्मूला समझाया था कि अगर आपको वेट दिया गया है तो उसमें फूड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला के साथ भी हमने इसको किया था उस वाली वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है ये फॉर्मूला, और अगर वेट देते हैं तो बॉडी फूड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो इसका तो राइट आंसर आई एम टेलिंग यू सी। अगर किसी का वेट 60 kg है तो उसका फ्लूड वॉल्यूम 38 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर टू इनर। करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको स्किन का, एपिडर्मिस का, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। तो ऑप्शन ए कोरिनियम, रिपिडियम, ग्रैनुलोसम एंड जर्मिनेटम। ये जो है लेयर्स ऑफ स्किन है कि कौन सी नंबर पे कौन सी है। बी में सबसे पहले कोरिनियम, ग्रैनुलोसम, ल्यूसिडियम एंड जर्मिनेटम। सी में जर्मिनेटिव, ग्रैनुलोसम, कोरिनियम एंड ल्यूसिडियम। फोर में सबसे पहले जर्मिनेटिव, कोरिनियम एंड ल्यूसिडियम। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो हमें दिखाई देती है एपिडर्मिस का पार्ट दैट इज कोरिनियम, उसके बाद आती है ल्यूसिडियम, थर्ड नंबर पे ग्रैनुलोसम, और जो सबसे इनर साइड में है दैट इज जर्मिनेटिव। तो दिस इज आउटर टू इनर लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, ये करेक्ट ऑर्डर है, कोरिनियम, ल्यूसिडियम, ग्रैनुलोसम एंड जर्मिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप्स इज नोन एज। जिस सेल से ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है उस सेल का क्या नाम है? ए ओवरी, बी ओवम, सी जायगोट एंड डी स्पर्म। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, जायगोट। जायगोट इज द फर्स्ट सेल जिससे ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट शुरू होता है। और जायगोट कैसे बनती है? दिस इज ओवम ऑन फर्टिलाइजेशन का के बाद जो सेल बनता है दैट इज जायगोट। जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज जायगोट, और फिर जायगोट से ह्यूमन बॉडी बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर को लाइनिंग करता है उस एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं? विच इज दैट एपिथेलियल टिश्यू? ए स्क्वैमस, बी कॉलमनर, सी सीलिएटेड एंड डी ट्रांजिशनल। तो राइट ऑप्शन इज डी, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है जो लाइन करता है यूरिनरी ब्लैडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन यूट्राइन ट्यूब्स। अभी यूरिनरी ब्लैडर का पूछा था, अभी यूट्राइन ट्यूब्स का पूछा है कि यूट्राइन ट्यूब्स में जो एपिथेलियल टिश्यू फाउंड जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? ए स्क्वैमस, बी कॉलमनर,
ciliated and d transitional. Right option is सी सीलिएटेड. जितनी भी ट्यूब्स होती हैं, होलो ट्यूब्स, उनकी जो लाइनिंग होती है वो हमेशा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू करता है. होलो ट्यूब्स में जैसे फूड पाइप, ट्रेकिया एंड यूट्राइन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स, ये सब सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से लाइनिंग होती है, क्योंकि उसमें मूवमेंट होती है. पैरास्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोक्राइन ग्लैंड विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. जो एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को फंक्शन को कंट्रोल करती है, उसका क्या नाम है. वन एड्रिनल, बी पैनक्रियास, सी पिट्यूटरी एंड डी थायराइड. राइट ऑप्शन इज सी पिट्यूटरी. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं एंड दिस इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करती है. तो दिस इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोन इज नॉट फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द क्रेनियल कैविटी. आपसे क्वेश्चन में नो आ गया है. कौन सी बोन बाउंड्री ऑफ क्रेनियल कैविटी को फॉर्म नहीं करती है. कौन सी बोन क्रेनियल कैविटी का पार्ट नहीं है. ए पैराइटल, बी स्फिनॉइड, सी मैंडिबुलर एंड डी टेम्पोरल. तो राइट ऑप्शन इज सी मैंडिबुल. बाकी तीनों स्कल और क्रेनियम कैविटी की बोन का पार्ट है एक्सेप्ट मैंडिबुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन इज. कौन सा सब्सटेंस इंफ्लामेटरी रिएक्शन का पार्ट है. कौन सा सब्सटेंस इसको एक्टिवेट करता है इंफ्लामेटरी रिएक्शन को. ए रेनिन, बी हिस्टामिन, सी हेपरिन एंड डी थायरोक्सिन. तो राइट ऑप्शन इज बी हिस्टामिन. हिस्टामिन आर द सब्सटेंस जो इंफ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए एंटी हिस्टामिन, एल्सीजा, लिवोसिट्रिजिन वगैरह भी यूज किया जाता है. एल्सीजा इज दी एंटी हिस्टामिन ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय ए मैन डिपेंड अपॉन. द वॉल्यूम ऑफ वॉइस जो एक मैन और वुमेन जो भी प्रोड्यूस करता है वो किस पे डिपेंड करती है. मतलब हमारी जो वॉइस का होर्जीनेस है वो किस पे डिपेंड करता है. ए लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड, बी फोर्स विद विच द कॉर्ड वाइब्रेट, सी शेप ऑफ माउथ एंड डी टाइटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड. राइट ऑप्शन इज बी. फोर्स विद विच द कॉर्ड वाइब्रेट, जिस फोर्स से कॉर्ड वाइब्रेट होता है उसी के ऊपर द वॉल्यूम ऑफ द वॉइस डिपेंड करता है. इसलिए गुस्से में वॉइस चेंज हो जाती है, पोलाइटली अगर बात करते हैं तो चेंज हो जाती है, तो वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोलर बॉडी इज रिलीज एट द टाइम ऑफ ओवम डिस्चार्ज. कितनी नंबर ऑफ पोलर बॉडी ओवम डिस्चार्ज के टाइम पे रिलीज होती है. ऑप्शन ए 1, बी 2, 3, 3 एंड डी इज 4. राइट ऑप्शन इज 4. 4 पोलर बॉडी जब एट द टाइम ऑफ ओवम डिस्चार्ज 4 पोलर बॉडी रिलीज होती है. नेक्स्ट, द पेशेंट प्रेजेंट सिम्टम एट द टाइम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर. अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है पेशेंट को तो कौन से सिम्टम शो होंगे. ए हाइपर कैपनिया. हाइपर कैपनिया मतलब इंक्रीज्ड लेवल ऑफ CO2 इन ब्लड, इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. बी हाइपो वेंटिलेशन वेंटिलेशन, सी हाइपोक्सिया एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव. अगर हाइपर कैपनिया है, हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपोक्सिया है,
सो मतलब पेशेंट इज गोइंग इन रेस्पिरेटरी फेलियर सिचुएशन. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पेक्टिवली आर. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताना है इन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ए 100 mmHg एंड 140 mmHg, सी बी 60 एंड 120, सी 40 एंड 100 एंड डी 20 एंड 60. राइट ऑप्शन इज सी. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर होता है O2 का एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 होता है. तो मतलब जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें भी 40 mmHg मतलब 40% ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजनेटेड में तो 100% होता है. सो सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पर्म इज. स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है. ए 48 to 72 hours, बी 24 to 48 hours, सी 12 to 24 hours एंड डी 0 to 12 hours. राइट ऑप्शन इज ए 48 to 72 hours. 48 से लेके 72 hours तक का लाइफ स्पैन होता है स्पर्म का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंजेनाइटल एब्सेंस और क्लोजर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड. कंजेनाइटल एब्सेंस और क्लोजर मतलब जो ओपनिंग होना चाहिए था नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन का ओपनिंग होना चाहिए था लेकिन वो क्लोज है, एब्सेंट है मतलब ओपन नहीं है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे. ए फिस्टुला, बी एट्रेशिया, सी हर्निया एंड डी स्टीनोसिस. सो राइट आंसर इज हियर बी स्टीनोसिस. ऐसी कंडीशन को स्टीनोसिस बोलते हैं अगर कोई कंजेनाइटल क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जांपल एनल जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें एनल ऑरिफिस क्लोज होता है एबनॉर्मली, उस कंडीशन को एनल एट्रेशिया बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपीरेशन इज कॉल्ड. जो लार्जेस्ट अमाउंट एक्सपीरेट कर सकते हैं फ्रॉम द लंग उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, एक्सपेल जो करते हैं. ए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी रेजिडुअल वॉल्यूम, सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड डी टाइडल वॉल्यूम. सो राइट आंसर इज ए. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द एयर जो एक्सपेल्ड करते हैं फ्रॉम द लंग ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपीरेशन मतलब जोर से सांस लेके छोड़ना, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टिश्यू इज वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी. कौन सा टिश्यू बॉडी में वाइडली मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट है. वन ए मस्कुलर, बी लिम्फ, सी कनेक्टिव एंड डी कार्टिलेजियस. सो आंसर इज सी कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईटिंग बिहेवियर इन ह्यूमन बींग इज कंट्रोल्ड बाय. ह्यूमन बींग में ईटिंग बिहेवियर कौन सी ग्लैंड या कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है. ए पैनक्रियास, बी हाइपोथैलेमस, सी थायराइड एंड डी पीनियल ग्लैंड. राइट ऑप्शन इज योर बी हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस सिचुएटेड इन ब्रेन और ब्रेन ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है. सो हाइपोथैलेमस इज आंसर. नेक्स्ट है, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड. फैट से ग्लूकोज बनने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं. ए ग्लाइकोलाइसिस, बी ग्लूकोनोजेनेसिस, सी कर्ब साइकिल एंड डी स्पॉन्टिफिकेशन. राइट आंसर इज बी
ग्लाइकोनोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब कोई भी चीज का फॉर्मेशन. सो ग्लाइकोनोजेनेसिस इज दी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट. नेक्स्ट, ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट इज ऑल्सो कोल्ड. जो ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है? ए हिप ज्वाइंट, बी नी ज्वाइंट, सी शोल्डर एंड डी एल्बो. राइट आंसर इज सी शोल्डर ज्वाइंट, क्योंकि ये ग्लीनोइड और ह्यूमरस के कॉम्बिनेशन से बनता है. शोल्डर ज्वाइंट भी इसका दूसरा नाम शोल्डर ज्वाइंट है. नेक्स्ट, विच ब्लड ग्रुप कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट इन इमरजेंसी व्हेन इस ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन. अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी है और जल्दी से ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है लेकिन उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? ए ओ नेगेटिव, बी ओ पॉजिटिव, सी ए बी नेगेटिव एंड डी ए बी पॉजिटिव. राइट आंसर इज ए ओ नेगेटिव. ओ नेगेटिव इज द ब्लड जो सिचुएशन ऐसे सिचुएशंस में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं लाइफ सेविंग करने के लिए. नेक्स्ट है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोन इज. बोन का मेजर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन सा पार्ट मटेरियल सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है बोन में? ए कैल्शियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम सल्फेट एंड डी कैल्शियम फॉस्फेट. राइट आंसर इज डी कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सो कैल्शियम फॉस्फेट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोन, जो बोन जिससे बनती है. नेक्स्ट, द प्रोटीन फैक्ट्री इन द ह्यूमन बॉडी सेल इज. ह्यूमन बॉडी सेल में प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? ए न्यूक्लियस, कौन सा ऑर्गन, बी साइटोप्लाज्म, सी गॉल्गी अपैरेटस एंड डी राइबोसोम. सेल का कौन सा पार्ट प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन उसके पास है? सो राइट आंसर इज डी राइबोसोम्स. नेक्स्ट, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज मेनली कंसिस्ट ऑफ. पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सी सेल्स से बनी होती है? ए टी सेल, बी सी सेल, सी न्यूरल प्रोजेक्शंस एंड डी बीटा सेल. सो राइट ऑप्शन इज सी न्यूरल प्रोजेक्शंस. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्स पैलेसी इज अ डिसऑर्डर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. कौन सी नर्व के डिफेक्ट के कारण बेल्स पैलेसी होता है? ऑप्शन ए नाइन्थ, बी सेवेंथ, सी फिफ्थ एंड डी थर्ड. सो राइट आंसर इज बी सेवेंथ. सेवेंथ नर्व के क्रेनियल नर्व के डिफेक्ट के कारण बेल्स पैलेसी होता है, फेशियल नर्व. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए पोन्स, बी अमाइल गार्डा, सी हाइपोथैलेमस एंड डी लीवर. सो राइट आंसर इज योर सी हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज द ब्रेन पार्ट जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाई. ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, पूछा है एडम्स एप्पल किससे बना है, किस चीज से रिलेटेड है ये? ए एपिग्लोटिस, बी क्रीकॉइड कार्टिलेज, सी थायराइड कार्टिलेज एंड डी हायोइड बोन. राइट ऑप्शन इज योर सी थायराइड कार्टिलेज. थायराइड कार्टिलेज से एडम मतलब एडम एप्पल लैरिंग्स का दूसरा नाम है, ये थायराइड कार्टिलेज से रिलेटेड है, फॉर्म्ड है. नेक्स्ट, द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनूला. नेजल कैनूला से कितना ऑक्सीजन, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे सकते हैं?
ए 1 to 4 लीटर पर मिनट, बी 1 to 6 लीटर पर मिनट, सी 4 to 6 लीटर एंड डी 6 to 8 लीटर. सो राइट ऑप्शन इज हियर ए 1 to 4 लीटर पर मिनट ही ऑक्सीजन दे सकते हैं बाय यूज नेजल कैनुला. नेक्स्ट, द साइज ऑफ इंटरवीनस कैनुला यूज फॉर नियोनेट. नियोनेट के लिए कौन से साइज का कैनुला यूज होता है? ए 24 गोज, बी 22 गेज, सी 20 गेज एंड डी 18. राइट ऑप्शन 24 गेज. ए 24 गेज का कैनुला येलो कलर का होता है और वही नियोनेट्स में यूज होता है. इससे भी छोटा कैनुला होता है 26 नंबर, पर्पल कलर का होता है, बट वो कभी कभी ही आता है. लेकिन 24 गेज इज मेनली यूज फॉर द नियोनेट्स एंड पीड्स यूज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब इंटरवेंशन. आपको जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सा इंटरवेंशन फिजिशियन एडवाइस नहीं है. ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बी ऑर्डरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, सी परफॉर्म वुंड केयर एंड डी इवेलुएटिंग एडमेटस लिम, मतलब एडिमेटस लिम. सो राइट आंसर इज डी एलिवेटिंग एडिमेटस लिम. एलिवेट करना फिजिशियन का प्रिस्क्राइब इंटरवेंशन नहीं है, वो एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन भी कर सकते हैं. अगर किसी लिम्ब में स्वेलिंग है, हाथ में पैर में स्वेलिंग है, तो उसको एलिवेट करना दिस इज कैन बी ए नर्सिंग इंटरवेंशन. इसके फिजिशियन प्रिस्क्राइब इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ ए नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय. प्रैक्टिस नर्सिंग का प्रैक्टिस कौन रेगुलेट करता है? ए स्टेट नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट, बी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, सी फेडरल गाइडेंस एंड रेगुलेशन, डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स. सो राइट आंसर इज योर ए स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट. जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद डीएनसी दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से भी रजिस्ट्रेशन होता है. तो ये एक स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट के अंडर है सारी चीजें, और ऐसे ही इसके अंडर रजिस्ट्रेशन करके वी कैन प्रैक्टिस एज ए नर्सिंग ऑफिसर. बाकी तीनों इट्स नॉट रिलेटेड. नेक्स्ट, कोस्मल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद. जो कोस्मल ब्रीदिंग पैटर्न है वो किस रेस्पिरेटरी कंडीशन से रिलेटेड है? ए एटिलैक्टोसिस, बी ब्रोंकल अस्थमा, सी डायबिटिक केटोस एसिडोसिस एंड डी हार्ट फेलियर. राइट आंसर इज सी डायबिटिक केटो एसिडोसिस. अगर ऐसा कंडीशन है तो पेशेंट को कोस्मल ब्रीदिंग हो जाएगा. नेक्स्ट, रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड. रिदम के साथ वैक्सिंग और वैनिंग, रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? मतलब एक बार गहरी सांस लेना, फिर थोड़ा पोज देना, फिर गहरी सांस लेना, ऐसा वाला कंडीशन. ए हाइपरवेंटिलेशन, बी हाइपोवेंटिलेशन, सी ऑर्थोपनिया एंड डी काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन. सो राइट आंसर इज योर डी काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन. धीरे धीरे ऐसे ब्रीदिंग पैटर्न शुरू कर, मैं सांस लेना शुरू करता है पेशेंट, फिर थोड़ा ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है, काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर ए न्यूबॉर्न वेइंग 2 to 3 केजी. अगर दो केजी से 3 केजी का बच्चा है तो ऐसे में अगर इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ गई है तो कौन से साइज का ईटी ट्यूब यूज करेंगे? ए 4.03, बी 3.5, सी 3 एंड डी 2.5. सो राइट आंसर इज बी 2 से 3 किलो के बच्चे में 3.5 ईटी ट्यूब यूज करते हैं. कई बार फिजिशियन जो चॉइस भी होती है पीडियाट्रिशियन की, लेकिन यूजुअली 3.5 का ईटी ट्यूब यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिनिकल डेथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज. क्लिनिकल डेथ का दूसरा नाम क्या है?
ए बायोलॉजिकल डेथ, बी ब्रेन डेथ, सी लीगल डेथ एंड डी एक्सीडेंटल डेथ. राइट आंसर इज ब्रेन डेथ. ब्रेन डेथ इज द क्लिनिकल डेथ. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन. सीवियर डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट इनमें से ऑप्शन में से आपको बताना है. ए स्टार्ट डीएनएस इमीडिएटली, बी स्टार्ट कॉलॉइड्स इमीडिएटली, सी स्टार्ट आरएल रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली एंड डी कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर्स एंड डेक्सट्रोज विद आरएल इमीडिएटली. राइट ऑप्शन इज सी, आरएल शुरू करेंगे जल्दी से सीवियर डिहाइड्रेशन में. बाकी तीनों चीज़ें इट्स नॉट रिलेटेड, क्योंकि किस तरीके का डिहाइड्रेशन है पता नहीं चलता है. सो जो रिंगर लैक्टेट आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही शुरू करते हैं. लीनियर ग्रूविंग ऑफ अ माइट एट फिंगर वेब्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल एंड पेनिस इज सीन इन केस ऑफ. आपको एक स्ट्रक्चर दिया दिखाया गया कि लीनियर ग्रूविंग ऑफ अ माइट, ऐसा वाला स्ट्रक्चर फिंगर वेब्स पे हो गया है, रिस्ट पे, एल्बो पे, एंकल पे एंड पेनिस पे. तो ये कौन सी डिजीज में, कौन सी प्रॉब्लम में होता है ऐसा? ए स्केबीज, बी इम्पेटिगो, सी सोरेसिस एंड डी हर्पी जोस्टर. राइट ऑप्शन इज हियर ए स्केबीज में होता है लीनियर ग्रूविंग ऑफ अ माइट. नेक्स्ट, डीवीटी डीप इन थ्रोम्बोसिस रेंडर ए पर्सन एट ए रिस्क ऑफ. अगर किसी को डीवीटी है तो उनको और कौन से दूसरी प्रॉब्लम होने का रिस्क है? ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बी शॉक, सी स्ट्रोक एंड डी हार्ट अटैक. राइट इज ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं अगर किसी को डीवीटी की प्रॉब्लम है तो. नेक्स्ट है, सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन शुड बी इनिशिएटेड इन अ काइंड ऑफ एरिथमिया. कौन से टाइप के एरिथमिया में सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन शुरू कर देना चाहिए? ए एट्रियो वेंट्रिकल एवी ब्लॉक, बी प्रीमैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, सी एट्रियल फिब्रिलेशन एंड डी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. सो राइट ऑप्शन इज योर डी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है पेशेंट को तो जल्दी से सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन शुरू कर देना चाहिए. नेक्स्ट, सीवियर डिस्निया, ऑर्थोपनिया, पैलर, टैकिकार्डिया एंड फ्रोदी ब्लड स्टिंग स्प्यूटम, ये सारे सिचुएशन कौन से टाइप के हार्ट फेलियर में देखते हैं? ए लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, बी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, सी पल्मोनरी एडिमा एंड डी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. राइट ऑप्शन इज योर पल्मोनरी एडिमा. सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिस्निया, सॉरी ऑर्थोपनिया, पैलर, टैकिकार्डिया एंड फ्रोदी ब्लड टिंग स्प्यूटम पल्मोनरी एडिमा के केस में होता है. नेक्स्ट, अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लैरिंग कैंसर. लैरिंजियल कैंसर का अर्ली मैनिफेस्टेशन क्या है? ए स्टोमेटाइटिस, बी होर्जिनस, सी डिस्फेजिया एंड डी एयर ऑब्स्ट्रक्शन. राइट इज बी होर्जिनेस ऑफ द वॉइस. अगर होर्जिनेस आ गया है वॉइस में तो इट कैन बी अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लैरिंजियल कैंसर. नेक्स्ट, एन अर्ली इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्सीमिया होने का अर्ली इंडिकेटर क्या है? ए मेमोरी चेंज, बी टिंगलिंग सेंसेशन, सी वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया एंड डी डिप्रेस रिफ्लेक्स. राइट ऑप्शन इज योर बी टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिंगर. अगर हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम की कमी है, तो टिंगलिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाता है. दिस कैन बी अर्ली इंडिकेटर. नेक्स्ट है, द लाइफ स्पैन ऑफ ए ह्यूमन प्लेटिलेट. ह्यूमन प्लेटिलेट का लाइफ स्पैन कितना है? यूजुअली हमें आरबीसी का पूछ लेते हैं कि आरबीसी का कितना है. आरबीसी का 120 डेज है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में प्लेटिलेट का पूछा है. तो प्लेटिलेट का लाइफ स्पैन को ऑप्शन दिए गए हमें, ए 10 to 12 minutes, बी 10 to 12 hours, सी 10 to 12 days एंड डी 10 to 12 month. राइट ऑप्शन इज योर सी 10 to 12 days का लाइफ स्पैन है ह्यूमन प्लेटिलेट्स का. नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 120 days. नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड सेल आर इन्यूक्लिएटेड. कौन सी ह्यूमन ब्लड सेल इन्यूक्लिएटेड होती है, किस पे न्यूक्लियस होता है?
ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट एंड डी बोथ आरबीसी एंड प्लेटलेट। राइट इज डी, बोथ एंड आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन दोनों पे न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, ए पेशेंट विद लीवर फेल हैविंग एडिमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव। अगर कोई पेशेंट है लीवर फेलियर का, उसको एडिमा है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी ड्रग देना चाहिए? ए डायरेटिक, बी लैक्सेटिव, सी एंटी डायरेटिक एंड बी बीटा ब्लॉकर। राइट इज डायरेटिक्स। अगर एडिमा है तो उनको डायरेटिक्स देते हैं यूजुअली, लेकिन लीवर फेलियर वाली एडिमा में डायरेटिक इज मस्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।